आज भी बॉलीवुड फिल्म हम दोनों का ये गीत टेंस लोगों का पसंदीदा है। दोस्तों यारों की महफिल सजी हो या फिर तन्हा दिल, इस गीत को गुनगुनाते और देवानंद की तरह कश पर कश लगाते मिल ही जाते हैं। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। और बॉलीवुड का ये गीत तो शराबी एंथम है। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। अमिताभ बच्चन जैसे हीरोज को कॉपी करके नशे में गाना गाते या डांस करते लोग आपने अक्सर देखे होंगे। शराब यहाँ खराब नहीं लगती इन्हें, क्योंकि इनके फिल्मी हीरो ने जो पी है, हीरो ने कहा भी था, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। हीरो हीरोइन अपने फैंस के आइडियल होते हैं, वो जो करते हैं फैंस फॉलो करते हैं। ओ मेरे भैया दे दारू, दे दारू, दे दारू। नशे को प्रमोट करने वाली फिल्म्स, गाने या कुछ सीन्स को कॉपी करना, डायलॉग्स बोलना मनोरंजन के साथ साथ आदत ही बन गई है लोगों की। बस यहीं से प्लांट होता है सिनेमा से नशाखोरी का ये षड्यंत्र। दारू सारे पीते हैं, हम थोड़ी ज्यादा पीते हैं। ओ मेरे भैया दे दारू, नशे में कौन नहीं है मुझे बता। नमस्ते जी, मैं हूं हरप्रीत कौर। आपने देखा होगा फिल्मों में हीरो या विलन का आलीशान घर और उसमें अलग एक बार। हीरो परेशान है तो दारू, खुश है तो दारू। ये फीलिंग्स हेल्दी डाइट के साथ क्यों नहीं परोसी जा सकती? क्या आपने कभी फिल्मी घर का ऐसा कोई कोना दूध दही से भरा हो देखा है? हीरो लस्सी या मिल्क शेक पीकर भी तो गम और खुशियां बांट सकता है। छोटा सा खुशी का मौका और फिल्मों में फट से शैंपेन खोल दी जाती है। क्रिकेट टीम जीते तो भी सेलिब्रेशन शैंपेन खोल के दिखाई जाती है। क्या ऐसी होती है स्पोर्ट्स स्पिरिट? फिल्मी नायक तनाव में होता है या लवर से ब्रेकअप हो तो उसे शराब या सिगरेट का सहारा लेते हुए दिखाया जाता है, जैसे इस हादसे की सिर्फ यही सर्वोत्तम जड़ी बूटी हो। इसके अलावा भी फिल्मी दृश्यों में गंभीर मामलों में, जैसे किसी केस की जांच वगैरह में, पुलिस के बड़े अधिकारियों को सिगरेट के कश लगाते हुए दिखाया जाता है। यानी धूम्रपान करने वाले चरित्रों को अक्सर महान व्यक्तित्व या विशेष रूप से सबसे प्रमुख व्यक्ति के तौर पर दिखाया जाता है। ऐसे दृश्यों के होने की जरूरत कहानी के हिसाब से हो ही सकती है, लेकिन सिनेमा में ऐसा चलन है कि उत्पादों को दिखाकर परोक्ष रूप से उनका विज्ञापन किया जाता है। ऐसे में व्यवसायिक कारणों से दृश्यों को कहानी के भीतर रखा भी जा सकता है। दारू के सिवा जिंदगी में कोई कारोबार ना रहा। बरसों तक सिनेमा में शराब का सांकेतिक प्रयोग भी होता रहा है, किंतु हाल के बरसों में शराब को मादकता के साथ आइटम नाच गानों में परोसने तथा सामान्य रूप से शराब पीते दिखाने का चलन बढ़ा है। अब माता पिता, स्कूल और हेल्थ एक्सपर्ट जितनी मर्जी कोशिश कर लें, लेकिन किशोर और युवा बिना किसी रोक टोक के अपनी फेवरेट मॉडल या एक्ट्रेस वाले फिल्मी आइटम सॉन्ग को शराब सिगरेट पीने की इंस्पिरेशन बना लेता है। देखा देखी कम उम्र की लड़कियों में भी नशे का चलन खूब बढ़ रहा है। दरअसल फिल्में किसी भी दौर की रही हों, नशाखोरी को बढ़ावा मिला है। सिगरेट और शराब तक सीमित ये प्रदर्शन अब तो ड्रग्स को प्रमोट करने से गुरेज नहीं कर रहा। नए नए तरह के नशे करते फिल्मी एक्टर लेटेस्ट ट्रेंड सेट कर रहे हैं, यानी इनके हिसाब से नशे में डूबे रहने वाला ही असली जिंदगी जी रहा है। तो षड्यंत्र को समझे और दूसरों को भी समझाए। जरा सोचे, क्या इन विचारों के साथ समाज मॉडर्न बनेगा? क्या फिल्मी नायक हमारी प्रेरणा बने या देश के वीर बलिदानी नायक? क्या फिल्मों के इस गैर जिम्मेदार प्रदर्शन को कॉपी करके
नौजवान पीढ़ी देश का भविष्य बनेगी। फिल्म मेकर्स फिल्में बनाकर पैसा कमा रहे हैं, शराब और सिगरेट के विज्ञापन से पैसा कमा रहे हैं और फिल्मी एक्टर्स को तो मुंह मांगी फीस मिल ही जाती है। लूट रहा है तो बेचारा फिल्म देखने वाला और बर्बाद हो रहा है उनकी देखा देखी नशा करने वाला। ज्यादा पी लिया, खाना नहीं खाया, ऐसा हो गया। नायक या नायिका फिल्मों में जो करे जरूरी नहीं है कि वो ही सही हो। दोस्तों, रंगीन फिल्मों का ये ब्लैक एंड व्हाइट पहलू अपने बच्चों को जरूर दिखाएं। नशे की लत से ये भी अपनी जिंदगी तबाह कर लेते हैं, ऐसे किस्सों पर चर्चा जरूरी है, तभी वे रियल और रील लाइफ का डिफरेंस जान पाएंगे। अपने कार्यक्रमों के माध्यम से हमारी कोशिश है आपको सचेत करने की। आप भी अपने स्तर पर इन मुद्दों को रख सकते हो। धन्यवाद।